हुआ नहीं। अच्छा, बायो के क्लास में डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग स्टडी में ले रहे हैं। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव देखिए, इसमें डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो सेल साइकिल के एस फेज में होता है, और इस एस फेज में ही डीएनए का सिंथेसिस या डीएनए सिंथेसिस होती है, एस फेज में होता है। यदि आप सेल के अकॉर्डिंग देखें तो सेल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स और इस टू टाइप में फर्स्ट को आप प्रोकैरियोट सेल तथा सेकंड को यूकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट सेल इट मींस वन सेलेड ऑर्गेनिज्म एंड देन सेकंड यूकैरियोट्स मोर देन वन सेलेड ऑर्गेनिज्म। क्लियर? यदि केस आप प्रोकैरियोट्स का हैंडल कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स को इन व्यूज में रखे हैं लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट मींस बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है। तो बैक्टीरिया, इन केस ऑफ बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेशन ही ओरिजिनेट इन वन पॉइंट दैट इज नोन एज ओरी, ओरिस। क्लियर? बट देयर आर परफॉर्मिंग इकोलाइन that is also called to be कोराई सी। यहां पे आपको यह समझना है कि मान लीजिए हम बैक्टीरिया के अंदर अगर डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस देख रहे हैं, मैकेनिज्म देख रहे हैं, तो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। क्लियर? सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया में। तो जो इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर ओरिजिनल, यानी जो रेप्लिकेशन ओरिजिन होगा वो एक पॉइंट पे होगा, उसको आप ओरी बोल सकते हैं। और इकोलाई, चूंकि इकोलाई भी क्या होता है प्रोकैरियोट्स, ये इकोलाई में जो केस होता है उसे हम कोराई सी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप केस हैंडल करेंगे यूकैरियोट्स का, तो यूकैरियोट्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो कई स्पेस पे या हजारों स्पेस पे स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डीएनए पर सेल ऑफ डीएनए इन लेंथ ऑफ अप्रॉक्स 2.2। So it is they have one sided, they are not open to DNA. Clear? होता क्या है कि एक सेल में
जो लेंथ होती है यूकेरियोट्स की 2.2 मीटर होती है, तो वन सेल में इतना लेंथ का जो डीएनए होता है एक बार में ओपन हो ही नहीं सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं। तो उसमें क्या होता है कि वो कई स्टेपों पर ओपन होता है, ठीक है, तो हजारों स्टेप पे वो ओपन हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे नोटिस करनी पड़ेगी। तो ये तो बात रही बैक्टीरिया और यू जो है कैरियोट सेल की। अब हम चलते हैं आगे देखते हैं, वास्तव में जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है, क्योंकि डीएनए डीएनए की जब रचना आप बनाते हैं लाइक ये डीएनए है, डीएनए में ये जो स्ट्रैंड है स्ट्रैंड 5 प्राइम 2 5 प्राइम 2 3 प्राइम, क्लियर, और ये जो स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम 2 5, क्योंकि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं ये एंटी पैरेलल सिचुएशन में होते हैं, एंटी पैरेलल सिचुएशन, इट मींस लाइक दिस वे एंड देन दिस वे, ठीक है, तो एक जो डायरेक्शन होगा वो 5 प्राइम 2 3 प्राइम, यानी एक स्ट्रैंड का जो ओरिजिनेट पॉइंट होगा और जो एंडिंग पॉइंट होगा वो इस तरह से होगा, दूसरे स्ट्रैंड का जो ओरिजिनेट पॉइंट होगा और जो एंडिंग पॉइंट होगा वो इस तरह से होगा, तो ये जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अब चूंकि ये जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं इसमें रेप्लिकेशन होना होता है, तो रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होता है वो ओल्ड स्ट्रैंड से ही स्टार्ट होता है, ध्यान रहे, क्लियर। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, ये जो लूप्स होते हैं लूप्स में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बेस पेयरिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बेस पेयरिंग होती है, इसमें आप जानते हैं ए पेयर विथ पी, जी पेयर विथ सी, दे आर आल्सो लिंकेड टू ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ए कंबाइंड टू टी आर कॉल्ड डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड देन सी कंबाइंड टू जी आर आइदर जी कंबाइंड टू सी दे हैव ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, तो इस तरह से इनमें क्या होता है बेस पेयरिंग होती है, ठीक है, बेस पेयरिंग के बाद इसमें आगे जब सेमी कंजर्वेटिव या डीएनए का रेप्लिकेशन का फाइंडिंग आती है, तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, पहले भी हमने आपको बताया है कि मेकिंग ओल्ड डीएनए मॉलिक्यूल टू न्यू डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन, यानी एक डीएनए से दो नए डीएनए के बनने की जो क्रिया होती है उसको हम डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहते हैं। तो अगर डीएनए का जो रेप्लिकेशन एज ए सेमी कंजर्वेटिव होता है, तो सेमी कंजर्वेटिव में देखेंगे तो डोजन एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं प्लस प्रोटीन, इस क्रिया को परफॉर्म करने के लिए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को परफॉर्म करने के लिए डोजन एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में। जैसे एक एंजाइम है हम आपको बता रहे हैं जो एंजाइम से स्पेशली पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हेलिकेस, कौन सा एंजाइम आता है हेलिकेस, दूसरे पोजिशन पे आता है टोपोआइसोमरेज, ये जो है सेकंड पॉइंट पे आता है टोपोआइसोमरेज में जो है टू फॉर्म्स हो जाते हैं, ठीक है, एक होता है
लायगेस एंड देन गायरेज, ठीक है, ये दो होते हैं। यदि टोपोआइसोमेरेज को आप फर्स्ट एंड देन सेकंड भी बोल सकते हैं तो इस पोजीशन पे आप यहां पर रखेंगे। थर्ड और फाइनली जो होता है वो होता है पॉलीमरेज, पॉलीमरेज थर्ड, पॉलीमरेज थर्ड इंक्लूडेड इन सेवन टाइप्स ऑफ द एंजाइम, क्लियर, नोन एज अल्फा बीटा गामा डेल्टा टाउ ईटीसी, सेवन टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पार्टिसिपेटेड इन पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज इसको बोलते हैं, पूरा नाम पूरा कंप्लीट में जो नेम आप बोलेंगे वो डीएनए पॉलीमरेज होगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसके अतिरिक्त इसमें डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, तो डोजन एंजाइम प्लस प्रोटीन, ठीक है, प्लस प्रोटीन ये क्या करते हैं डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव मोड में पार्टिसिपेट करते हैं, क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं, फिर देखते हैं यहां पे देखिए सबसे महत्व जो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे बात आती है वो आती है डीएनए अनवाइंडिंग, डीएनए अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग एंड सुपर कॉइलिंग, ये फर्स्ट पॉइंट पे आता है। सेकंड पॉइंट पे आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए, न्यू डीएनए चेन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए चेन, आइदर आप वो आप अदर वर्ड्स में लिख सकते हैं इलोंगेशन ऑफ, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, क्लियर। एंड फाइनली टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेट या टर्मिनेशन, क्लियर। ये तीन पॉइंट आते हैं जिसमें डीएनए का जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है वो पूरा होता है। तो इन तीनों फॉर्मेशन में, इन तीनों एक्टिविटीज में एंजाइम प्लस प्रोटीन अपना रोल परफॉर्म करते हैं, क्लियर है। अब जैसे आपको ये यहाँ पे ये चीज और जान लेना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड अनवाइंडिंग का जो केस होता है उसमें ये करता है कि जो एंजाइम हेलिकेज होता है वह इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, वीक करेगा या तो ब्रेक करेगा, जिसके कारण क्या होगा ये जो लूप्स बन रहे हैं वो लूप्स अल्टीमेटली ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, क्लियर। लेकिन इसके तुरंत बाद जब ये अनवाइंडिंग वाली स्थिति आ जाती है, इसके बाद फिर क्या डीएनए का तो भाई नेचर ही है, टेंडेंसी होती है वो डुप्लीकेशन करता ही रहता है। तो होता क्या है कि अदर स्टेट में डुप्लीकेशन क्रिया ना हो, ठीक है, इसके लिए टोपोआइसोमरेज ये क्या करता है, वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है। एक स्टैंड को लिंक करने का, लिंक यदि एक स्टैंड को कर रहा है, वन स्टैंड को कर रहा है, तो वहां पे टोपोआइसोमरेज फर्स्ट। लेकिन जब दोनों स्टैंडों को लिंक करने पर वहां पे जो है एक्टिविटीज होनी होती है तो वहां पर टोपोआइसोमरेज सेकेंड वर्क करता है एंजाइम, यानी दोनों स्टैंडों को एक साथ काटने का काम सेकेंड टोपोआइसोमरेज करेगा, लेकिन वन स्टैंड को एक जगह निक या कट और ब्रेक करने का काम जो करेगा वो टोपोआइसोमरेज फर्स्ट करेगा। यानी ये क्या करने देता है, ये सुपर क्वाइलिंग नहीं करने देता है, टोपोआइसोमरेज सुपर क्वाइलिंग नहीं करने देता है डीएनए को, क्लियर है। अगले स्टेप में क्या होता है, अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा एक फिगर और बनाना पड़ेगा, देखिए आप क्या करेंगे इसमें, देखिए जो प्रोसेस होता है वो है लाइक like,
मान लीजिए सपोज करिए ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये डीएनए स्ट्रैंड है, क्लियर, डीएनए स्ट्रैंड है और ये मिड पोजीशन में बेस बाइंडिंग पोजीशन होता है, बेस बाइंडिंग पोजीशन, क्लियर, बेस बाइंडिंग पोजीशन। यहीं पे एक इस स्टेज पे क्या होता है, डीएनए हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज एंजाइम यहां आकर के ऐड होता है, और जब ये ऐड होता है तो ये जो स्ट्रैंड होते हैं इनके बीच जो स्ट्रैंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रैंडों के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और यहाँ पे फोर्किंग स्टार्ट होती है, यानी स्ट्रैंड क्या होते हैं, खुल जाते हैं, अनबाइंड हो जाते हैं, ठीक है, अनबाइंड हो जाते हैं। तो ये कार्य कौन करता है, हेलिकेज करता है, ठीक है। और इसको सिंगल स्टैंड में बनाने रखने के लिए या इसको इस फॉर्म में रहने के लिए यहाँ पे एक और प्रोटीन आकर के ऐड होता है जिसको बोलते हैं सिंगल बाइंडिंग, सॉरी सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन ये होता है, या इसको शॉर्ट में आप SSBPB कह सकते हैं, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है, इस टेम्पलेट को स्टेबल करता है, इस टेम्पलेट को क्या करता है, स्टेबल करता है। अब बात आती है कि आगे जाकर के फिर ये सुपर कॉइलिंग ना करे, इसके लिए टोपोआइसोमरेस क्या करता है, वर्क करता है यहां पे, जिसके कारण क्या होता है, ये फोर्क बना रहता है, ठीक है। ये फोर्क इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क, FORK, रेप्लिकेशन फोर्क, ये रेप्लिकेशन फोर्क बोला जाता है। और ये वाई शेप में होता है, किस शेप में होता है, वाई शेप, अल्फाबेट शब्द वाई, दे आर फॉर्मेड टू फोर्क, दैट इज कॉल्ड टू बी वाई फोर्क रीजन, आप इसको वाई फोर्क रीजन भी बोल सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि पुनः जो डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, उसके लिए क्या होता है कि स्मॉल पार्टिकल, मतलब यहाँ पे पुनः डीएनए का जो है संश्लेषण होगा, नए डीएनए के चेन के बनने की जो है प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इसके लिए क्या होता है कि आरएनए का छोटा सा स्ट्रैंड, आरएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट बोल सकते हैं, स्मॉल जो फ्रेगमेंट होता है वो आकर के इसी एक साइड से आकर के बाइंड होता है, जहां पर वो फ्रेगमेंट आकर के बाइंड होता है उसी को बोलते हैं इनिशिएशन पॉइंट ऑफ डीएनए सिंथेसिस, इनिशिएशन पॉइंट ऑफ डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। ये इन द पॉसिबल ऑफ द आरएनए प्राइमेज, दैट इज आल्सो नोन टू बी प्राइमेज, प्राइमेज एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्ट करता है डीएनए के चेन फॉर्मेशन को। तो यार तो यहाँ पे चेन फॉर्मेट होती है, ये चीज फॉर्मेट होती है। बाद में आप देखते हैं कि एक स्ट्रैंड जो होती है वो कंप्लीट, आप देखिए यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 5' to 3' एंड देन 3' to 5', क्लियर। यानी चूंकि मैंने पहले ही बता रखा है आपको यहाँ पे कि जो डायरेक्शन होता है वो एंटी पैरेलल होता है दोनों स्ट्रैंडों का, इसलिए यहाँ पे ये चीज आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात कि ये जो डीएनए के फॉर्मेशन, डीएनए का जो नया स्ट्रैंड बनता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो आरएनए प्राइमर के कारण होता है, आरएनए प्राइमेस के कारण होता है। और यहाँ पे फॉर्मेशन के लिए देखिएगा कि वो पॉलीमरेज, पॉलीमरेज थर्ड, पॉलीमरेज जो थर्ड एंजाइम होता है वो भी आकर के यहाँ पे बाइंड होता है, जिसके कारण ये डीएनए के स्ट्रैंड क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। जब डीएनए के स्ट्रैंड के जो बेस पेयरिंग होती है वो कंटिन्यूटी फॉर्म में हो रही होती है, तब वहां पे एक न्यू टॉपिक मिलता है आपको, दैट इज नोन एज लीडिंग, लीडिंग स्ट्रैंड। यानी यहां पे जो फॉर्मेशन आप देखेंगे वो होगा लीडिंग स्ट्रैंड, क्लियर। दूसरी तरफ दूसरे स्टैंड पे आप देखेंगे तो दूसरे स्टेप में आप देखिएगा एक चीज और यहां पे नोटिस के लायक यहां पे फैक्टर है, वो है कि जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है,
या डुप्लीकेशन होता है या सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, दे आर नॉट टू बी 3' to 5'। क्लियर है? तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा उसका डायरेक्शन 5' to 3'। क्लियर? जबकि जबकि दूसरे स्टैंड पे देखेंगे तो वो चीज यहीं पे, यहाँ पे आपको जो है कुछ उसमें अलग पॉइंट आपको दिखेंगे, जिसके लिए एक स्टैंड आपको मिलेगा, एक स्टैंड मिलेगा इसमें। ये यहाँ पे देखिएगा, जो आरएनए प्राइमर होते हैं वो कंटिन्यू फॉलो नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, वो बीच बीच में गैप देते हैं। इस तरह से आरएनए प्राइमर तो जुड़ते हैं, वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में इस स्टैंड पर आपको डीएनए का जो है न्यू चेन मिलती है। ठीक है? अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस और यहाँ पे गैप भी हो रहा है, क्या हो रहा है, गैप हो रहा है। तो इस प्रकार का जो इसमें जो डायरेक्शन होगा, देखिएगा इसमें जो डायरेक्शन होगा वो 3' to 5' होगा, 3' to 5'। फिर ये गैपिंग या जो स्मॉल सेगमेंट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है दैट इज नोन एज लैगिंग, लैगिंग स्ट्रैंड या अदर नेम इज ओकाजाकी फ्रैगमेंट। इसको लैगिंग स्ट्रैंड भी कह सकते हैं या अदर सेंटेंस में आप इसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है आरएनए प्राइमर के थ्रू वो गैपिंग और डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है। ठीक है? जो अब देखिए जो टर्मिनेशन की बात आती है, जैसे ये कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आकर के आरएनए प्राइमर एंड हो जाता है और यहाँ पे ये चीज कंप्लीट हो जाती है। फिर पॉलीमरेज जो फर्स्ट एंजाइम होता है, पॉलीमरेज फर्स्ट, ये एंजाइम क्या करता है, इस गैप को फिल कर देता है। इस तरह से ये स्टैंड भी क्या होते हैं, कंप्लीट माने जाते हैं। ठीक है? एंडिंग कब होगी, टर्मिनेशन कब होगा, जब आरएनए प्राइमर आकर के इसके एंडिंग सिरे पर खत्म हो जाएगा या यहाँ पे बिल्कुल एंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसमें जो एंजाइम है उनको ध्यान में रखना है। ठीक है? और बाकी जो बातें हैं, देखिए यहाँ पे एक और चीज होता है, कभी कभी पूछा जाता है कि यहाँ पे जो ए और टी, जी और सी आपस में नाइट्रोजनस बेस आपस में पेयर हो रहे हैं, जोड़े बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बनाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को डिजॉल्व करने के लिए, डिस्ट्रक्ट करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ये एनर्जी जो होता है वो एटीपी के रूप में प्राप्त होगा, और ये एटीपी मिलेगी कहां से? ठीक है? तो इसमें डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड या डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड यानी सीएमपी, ठीक है, डी सीएमपी, डी टीएमपी एंड डी एएमपी एंड डी जीएमपी, ये जो मोनोफास्फेट होते हैं वो इस तरह से इनको एनर्जी देने का काम करते हैं। ये एनर्जी के थ्रू ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, डिजॉल्व होते हैं और अनवाइंडिंग की क्रिया जो होती है वो स्टार्ट होती है। ठीक है? तो वो फास्फेट है, ये ग्वानिलिक मोनोफास्फेट, साइटोडेलिक मोनोफास्फेट, थाइमिडिलिक मोनोफास्फेट और ग्वानिलिक मोनोफास्फेट होते हैं। ये फास्फेट PO4 होता है, क्योंकि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए, दे आर थ्री कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व इन डीएनए मेकिंग, इन फर्स्ट पेंटोज सुगर एंड सेकेंड फास्फेट, थर्ड नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस आर टू टाइप्स, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। सो दे आर कंप्लीट फेनोमेना ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन एज ए सेमी कंजर्वेटिव मोड। क्लियर? तो ठीक है, दैट्स इट।